मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है भंडारा गोंडिया वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता, उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद, यही के धरती पुत्र भाई प्रफुल्ल पटेल जी, भाजपा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और आज जिनका जन्मदिन भी है और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आगे आओ भाई, सुनील मेंढे जी के लिए जोरदार ताली बजाइए जरा। और आज भंडारा गोंडिया की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती है। इसी महाराष्ट्र की पावन भूमि पर, जहां वीर छत्रपति ने जन्म लिया, इसी भूमि पर जन्मे बाबा साहेब ने इस देश को, संविधान को बनाकर सबको समेटने का काम किया। बाबा साहेब ने ही इस देश को पूरी संसार में सबसे ज्यादा समावेशी, न्यायप्रिय और सबके साथ समान व्यवहार करने वाला संविधान देने का काम बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। मैं वो बाबा साहेब अंबेडकर के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां आया हूं, भंडारा आया हूं, और बाबा साहब का जन्मदिन है, बोले बगैर रह नहीं सकता। एक कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगने के लिए घर घर घूमती है। 1954 के उपचुनाव में बाबा साहब के खिलाफ मोर्चा लगाने का काम यही कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे 1952 हो, चाहे 54 हो, एड़ी चोटी का जोर लगाकर बाबा साहब को हराने का काम किया। मतदाताओं को उस जमाने में 1 रुपया और नमक की पुड़िया देकर गलत तरीकों से बाबा साहब को हराने का काम यही कांग्रेस ने किया। और यही कांग्रेस थी जिसने 5 दशक तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया और बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब से जुड़े हुए पांचों तीर्थ स्थानों को सम्मानित कर बाबा साहब को युगों युगों तक अमर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहब नहीं रहे बाद में भी झूठ बोलकर
उनके स्पिरिट को जमीन के नीचे तक डालने का काम करती है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास दो टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। आज मैं भंडारा गोंदिया वालों को कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, ना हम आरक्षण को हटाएंगे ना हटाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, ये चुनाव है, उसमें आप मेंढे जी के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाएंगे तो वोट तो आप मेंढे जी को देंगे, मगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भंडारा गोंदिया में दिया हुआ आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी हमारे वादे थे, इस सारे वादों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र वालों को कश्मीर से क्या लेना देना? अरे खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, भंडारा गोंदिया का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? कश्मीर में तिरंगा फहरना चाहिए या नहीं फहरना चाहिए? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, 17 तारीख को रामनवमी है। मुझे आप सभी लोग बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, नहीं बनने दिया। मोदी जी ने 5 साल में ही कोर्ट का फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। और इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में भी बताएंगे। भाइयों, मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ का पुनरोद्धार किया, बद्रीनाथ केदारनाथ का नूतन नगरी बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और गुजरात में
पावागढ़ पर शक्तिपीठ को 400 साल के बाद पुनर्स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मानबिंदुओं को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी जी आए, पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी भूल गए, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भाई और बहनों, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी की। हमारे विदर्भ को यहां पर भी नक्सलवाद छू गया था, आज 10 साल के अंदर महाराष्ट्र, ओडिशा, हैदराबाद, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, इतने राज्यों से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, एक मोदी गारंटी है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 3 साल में छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी अभी राहुल बाबा घोषणा पत्र घोषित कर कहते थे हम गरीबों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। अबे राहुल बाबा का कैसे भरोसा करो भाई, वो तो कभी पढ़ते हैं नहीं, पुरानी बातों की जानकारी लेते हैं नहीं, उनको मालूम नहीं है इस बार के संकल्प पत्र में आपने जो वादा किया है वो आपकी दादी कर गई है। इंदिरा जी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, सोनिया जी भी गई और राहुल बाबा आए, अब तक गरीबी नहीं हटी, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक और राशन मिलने वाला है, आज मोदी जी ने घोषणा कर दी है। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय 70 साल के बाद बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ही घोषणा किया है कि 3 करोड़ और गरीबों को घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया है। और अब माताओं बहनों, खुशियां मनाना, नल से जल आता है, इसी तरह पाइप से गैस आपके घर में पहुंचाने का काम अगले 5 साल में होने वाला है। और 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 2013-14 में किसान कल्याण कृषि विभाग का बजट कितना था? सिर्फ 22,000 करोड़। राहुल गांधी जवाब दे इस बात का, आपने सिर्फ 22,000 करोड़ का बजट रखा था, 2022-23 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको
1,25,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी अभी देवेंद्र जी ने धान पर बोनस दिया है, मगर मैं धान का आंकड़ा भी बताने आया हूं। ये भंडारा गोंदिया धान का क्षेत्र है, 76 लाख लाभार्थियों को सिर्फ देश भर में धान खरीदते थे, अब 1,22,00,000 किसानों का धान खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। और धान का 475 लाख मैट्रिक टन खरीदी होता था, उसको 2 गुना कर 830 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों और बहनों, हमने इस देश के इस महत्वपूर्ण हिस्से के लिए समृद्धि मार्ग जो पहले नागपुर तक था, उसको गोंदिया तक एक्सटेंड करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोनों जिलों में पक्की सड़क बनाने का काम किया, 1,00,000 घर इस क्षेत्र के अंदर बनाए, 7,00,000 आयुष्मान भारत के कार्ड निकाले, 100 बिस्तरों की क्षमता वाला नया अस्पताल बनाया, 2,10,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और 2,40,000 लोगों को घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज यहां पर मैं आया हूं, तब शरद पवार जी को भी पूछना चाहता हूं। सोनिया मनमोहन की सरकार का आप हिस्सा थे, आपने महाराष्ट्र को 10 साल में क्या दिया था? गोंदिया वालों, मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 साल में कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया था। इसके सामने 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 7,15,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2,90,000 करोड़ सड़क, रेलवे और बुलेट ट्रेन और एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी अभी मैं उद्धव ठाकरे को देख रहा हूं, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली भाजपा वालों ने। शरद पवार जी भी कहते हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली। मैं आज स्पष्टता करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता के सामने, हमने ना शिवसेना तोड़ी है ना एनसीपी तोड़ी, उद्धव के पुत्र मोह ने शिवसेना तोड़ी और पवार साहब के पुत्री मोह ने एनसीपी तोड़ी। और आज देखिए साहब, यहां के ही नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस का क्या हाल हुआ? आधी शिवसेना और आधी एनसीपी ने पूरी कांग्रेस को आधी करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ भंडारा वालों, ये 3 आधी पार्टियां महाराष्ट्र का भला कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? महाराष्ट्र का भला केवल और केवल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के साथ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, ये देश का चुनाव है, मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी अभी G20 की मीटिंग हुई, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि के सामने नतमस्तक हुए और इतने खराब माहौल में भी दिल्ली डिक्लेरेशन कराकर हमारे कूटनीतिक विजय को नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में इसका परचम फैलाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये दस साल मोदी जी का कांग्रेस ने बनाया हुआ गड्ढा भरने में गया है, अगले 5 साल में महान भारत की रचना करने का काम अगले 5 साल में शुरू होने वाला है। और मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है
कि 2047 में, 2047 में हम महान भारत की रचना करेंगे। भाई और बहनों, हमने अभी अभी घोषणा पत्र घोषित किया है। हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि अब देश में, पूरे देश में भाजपा सरकार आने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया जाएगा। हमने कहा है पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ किए जाएंगे, बार बार इलेक्शन नहीं किया जाएगा। हर बुजुर्ग जो 70 साल से ज्यादा आयु का है, उसका 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम नरेंद्र मोदी सरकार उठाएगी। नए 3 करोड़ गरीबों के घर बनाएंगे। झुग्गी झोपड़ी को रहने वालों को प्रायोरिटी देंगे। पाइप से गैस हर घर पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू होगा और पीएम सूर्य घर से गरीब के घर की बिजली का बिल 0 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया है और हमने लक्ष्य रखा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पेपर लीक के लिए कठोर कानून लाकर पारदर्शी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाखों मौके युवाओं के लिए बनाएंगे और 2036 का 2036 का ओलंपिक भारत में होगा, वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। भाइयों और बहनों, एक और राहुल बाबा है, उनके नेतृत्व में परिवारवादी पार्टियों का गठजोड़ है, जो अपने बेटे बेटी भतीजे भतीजियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर गरीब के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी नाम का ये व्यक्ति, जिसने 23 साल से एक भी छुट्टी लिए बगैर देश की सेवा करने का काम किया है। 1 और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर जिस पर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 5 पैसे का आरोप न लगा, ऐसा प्रामाणिक नरेंद्र मोदी है। एक और देश की सुरक्षा को अपनी वोट बैंक के लिए ताक पर रखने वाला एक गमंडिया गठबंधन है और दूसरी ओर सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देकर आतंकवाद को समाप्त करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार है। आपको फैसला करना है। मेंढे जी को दिया हुआ आपका वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मेंढे जी को दिया हुआ आपका वोट भारत को सुरक्षित बनाएगा। मेंढे जी को दिया हुआ आपका कमल के निशान पर वोट भारत के अर्थतंत्र को दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। भाई और बहनों, मैं अपील करने आया हूं आप सभी को, हमारे आगे आइए मेंढे जी, हमारे नेता मेंढे जी को, यही का आपका ही नेता है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे सुनाई नहीं पड़ता भाई, जोर से बोलो, दबाएंगे? 400 पार कराएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? मेंढे जी को जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की,
भारत माता की, वंदे वंदे, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।